जय जवान जय किसान, नमस्ते आप सभी को। आज हम कंटूर बंड और ग्रेडेड बंड क्या होते हैं वो देखेंगे। और कभी ना कभी आपको भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि कंटूर बंड और ग्रेडेड बंड में क्या डिफरेंस है, तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आप इस पर देख पा रहे हैं जो ये एरिया है, जो हमारा हिल टॉप है, ये जो हमारा कल्टिवेशन एरिया है, ये हमारा कंटूर बंडिंग सिस्टम का एरिया है। और इस पार का जो एरिया है इसे ग्रेडेड बंडिंग सिस्टम बोलते हैं। जो कंटूर, हम पहले कंटूर बंडिंग से चालू करते हैं। कंटूर बंडिंग होता क्या है? कंटूर बंडिंग क्या है? जो कंटूर्स की जो कंटूर लाइंस होती है उसमें हम कंटूर बंड बनाते हैं, और उस बंड्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है उसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, उसे हम कंटूर बंडिंग फार्मिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से कंटूर बंडिंग बना रहता है। जो कंटूर बंडिंग है वो हमेशा कंटूर लाइंस पे बनती है। बट इन केस ऑफ ग्रेडेड बंड, जो ग्रेडेड बंड रहता है वो हमेशा 0.5 to 2% के स्लोप में बनाया जाता है, जिसमें ग्रेड दिया जाता है। जो कल्टीवेशन फील्ड्स हैं उसको ग्रेड दिया जाता है कि अपर ग्रेड ऊंचा रहेगा और जो डाउनवर्ड का ग्रेड रहेगा वो नीचा रहेगा। तो उससे क्या है, सेफली डिस्पोजल हो सके हमारा वाटर, इसके लिए इस ग्रेडेड बंड को बनाया जाता है। इसमें हम ग्रास वाटर वे का भी यूज करते हैं अपने वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से ग्रेडेड बंड दिखता है। अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड में डिफरेंस रहता है 0.5 to 2% का। और जो हमारा कंटूर बंड है उसमें कंटूर लाइन पे हम उस कल्टीवेशन को करते हैं, और जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बचता है दो कंटूर बंड्स के बीच में उसमें हम कल्टीवेशन करते हैं और वाटर लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। और जो इनका कंटूर, एक कंटूर का जो टॉप है वो दूसरे कंटूर के बॉटम से ले आउट करता है, एक पैरेलल लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन बनाता है। जो आपका एक कंटूर बंड है और जो दूसरा कंटूर बंड है उसका जो टॉप विड्थ है और जो उसका बॉटम विड्थ है वो हमेशा सेम एलिवेशन में रहता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बंडिंग सिस्टम, जो बंडिंग सिस्टम में फार्मिंग सिस्टम भी होते हैं वो दिखते हैं। ग्रेडेड बंड रहता है उसे टेक्निकली अगर सॉइल वाटर कंजर्वेशन के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज रहती है कि ग्रेडेड बंड को कहाँ पर बनाना चाहिए। अगर क्लास वन और क्लास टू का अगर सॉइल है और जहाँ पर 3% स्लोप से कम है तो वहाँ पर हम ग्रेडेड बंड को बनाते हैं, या क्लास थ्री और फोर जिसमें 10% से ज़्यादा स्लोप है वहाँ पर भी हम ग्रेडेड बंड को बनाते हैं। और अगर इंटेंसिटी जो रेनफॉल की बात की जाए तो 800 mm से ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पर हम ग्रेडेड बंड को बनाते हैं।